नमस्कार, स्वागत है आपका सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित लाइव फोन इन कार्यक्रम में। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्रियात्मक शोध के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर नरेश कुमार गुप्ता जी, जो कि डिवीजन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में कार्यरत हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि क्रियात्मक शोध होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को ही हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद अलका जी। प्रिय साथियों, आप लोग सब शोध यानी रिसर्च के शब्द से वाकिफ़ हैं, और अब तक ये सोच रहे होंगे कि रिसर्च जो है वो आम तौर पर विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाली एक प्रक्रिया है। ये ऐसा काम है जो कि केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसमें कोई पारंगतता हासिल की हुई हो, यानी द पर्सन इज़ वेल इक्विप्ड विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड दी टेनेट्स ऑफ रिसर्च। लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस रिसर्च यानी शोध का कुछ ना कुछ अंश जुड़ा रहता है। आज हम उसी प्रकार के शोध की बात करेंगे जिसे हमने औपचारिक रूप में क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च नाम दिया है। एक्शन रिसर्च का मतलब है ऐसा शोध जिसमें हम अपने द्वारा अपने कार्य में आने वाली कमियों को, गलतियों को या कठिनाइयों को किसी न किसी एक्शन के द्वारा, किसी न किसी क्रिया के द्वारा एक शोध के रूप में करके उसका एक समाधान ढूंढते हैं, और इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न कार्यों को समय समय पर संपन्न करते हैं जी। इस प्रक्रिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो यह प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। यद्यपि इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जाता है वो एक इस प्रकार से किया जाए जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक विधि का उपयोग हो, और जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम अपने काम को न्याय उचित सिद्ध कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च में अगर अलका जी हम देखें तो मुख्यतः वो बात आती है कि एक प्रैक्टिशनर द्वारा यानी काम करने द्वारा अपने काम में आने वाली कठिनाइयों, कमियों या दिक्कतों को किसी न किसी ऐसे तरीके से हल किया जाए कि वो एक वैज्ञानिक तरीका हो, वैज्ञानिक विधि हो, और उसके अंदर हम अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। इसमें एक बात बहुत आवश्यक है, एक बात निहित है कि जो काम हम करें वो काम हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। एक्शन रिसर्च का कहीं ये मतलब नहीं है कि हम किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल दें, यानी कहीं वी शुड नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ एनीवन एल्स। इट इज ए काइंड ऑफ वर्क विच हैज टू बी डन बाय द प्रैक्टिशनर फॉर वन सेल्फ, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हरसेल्फ। तो अगर एक्शन रिसर्च की अवधारणा को हम देखें तो उसमें तीन चार चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, हमारे द्वारा समस्या हो जिसका कि हल मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, दूसरा वह मेरी समस्या हो और उसका हल मैं स्वयं अपने साधनों से कर सकूं। तभी शायद इसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब भी यहाँ पर यही है कि एक्शन को कैसे हम अपने कार्यों को कैसे हम सुधार सकें या हल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्शन रिसर्च में ये नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं केवल उसको हम अपने ढंग से करें, पहले हम ठीक से नहीं कर रहे थे और अब ठीक से करने लग गए तो वो एक्शन रिसर्च है। उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रिया, इस प्रकार का एक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें हम कुछ नयापन लाएं, हम कुछ इनोवेटिव तरीका उपयोग करें जो कि आमतौर पर हम अपने कार्यविधि में, अपने काम करने में नहीं लगा रहे हैं, और इस प्रकार उस नए तरीके से, उस इनोवेटिव तरीके से अपने कार्य में सुधार ला सकें, अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए वो एक्शन जो है इसमें बहुत जरूरी है। इसमें एक्शन जरूरी है, इसमें यह भी जरूरी है कि वो समस्या ऐसी हो
जिसका हल हम स्वयं कर सके, ऐसी समस्या न हो जिसके हल के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। इसके साथ साथ एक्शन रिसर्च में यह भी जरूरी है कि केवल यही नहीं कि वो हल हम स्वयं कर सके बल्कि अपने साधनों से कर सके, और उसके लिए हम अपने कार्यों को नियत तरीके से करते हुए करने के साथ साथ उसका हल कर सके। ये नहीं है कि हम एक्शन रिसर्च करना चाहते हैं लिहाजा हम अपना पढ़ाना छोड़ दें और उसकी जगह हम ये कहें कि हम रिसर्च कर रहे हैं इसलिए हमें समय दिया जाए। इसके इसलिए ये जरूरी है कि एक्शन रिसर्च में हम अपने काम को करने के साथ साथ अपनी समस्या का समाधान अपने साधनों से करें। ये भी नहीं कि भाई हमें एक्शन रिसर्च करना है तो हमें ये साधन चाहिए, हमें ये भी चाहिए तभी हम एक्शन रिसर्च करेंगे, हमें पैसा चाहिए, हमें ये संसाधन चाहिए, हमें ये और समय चाहिए, ये सब चीजें एक्शन रिसर्च के अंदर नहीं आती हैं। जी, तो अगर हम बात करें कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो आमतौर पर फॉर्मल रिसर्च कहते हैं, उससे कैसे ये एक्शन रिसर्च डिफरेंट है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ये प्रश्न अक्सर अध्यापक हमसे पूछते हैं कि एक्शन रिसर्च और जो और हमारे शोध हैं, अन्य रिसर्चेज हैं, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो चाहे वो अप्लाइड रिसर्च हो, उससे एक्शन रिसर्च किस प्रकार भिन्न है। इस एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में 4-5 बातें भिन्नता की पाई जाती हैं। नंबर एक, एक्शन रिसर्च जो है वो अपने लिए की जाती है, अपने कार्य के लिए की जाती है, अपने द्वारा महसूस की गई कठिनाई के लिए की जाती है, जबकि दूसरे शोध या दूसरी रिसर्चेज जो है वो किसी भी कार्य के अंदर संशोधन लाने के लिए, किसी भी कार्य के अंदर उन्नति के लिए की जा सकती हैं। वो चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो राज्य के लिए हो, चाहे वो संस्थान के लिए हो, चाहे वो दूसरे व्यक्ति के लिए ही क्यों ना हो। तो एक तो अंतर यह है कि एक्शन रिसर्च जो है वो स्वयं के लिए है, और अन्य रिसर्चेज अप्लाइड रिसर्च हो चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो, वो जो है वो किसी के लिए भी की जा सकती है। दूसरी चीज, जो एक्शन रिसर्चेज है उसके अंदर जो हल करने का तरीका है, द वे ऑफ सॉल्विंग कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, मे बी जनरलाइज्ड, मे नॉट बी जनरलाइज्ड, क्योंकि वो उनकी स्वयं की अगर समस्या है तो फिर हल भी स्वयं के लिए ही जनरलाइज तो नहीं कर सकते हम उसको पूरे एक वास्ट लेवल पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो तत्कालिक होता है और वो केवल उस समय और उसी समस्या पर लागू हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वही समस्या अगर हमें दोबारा आए तो भी वही हल हमारा लागू हो, वही तरीका हमारा, वही एक्शन लागू हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो जरूरी नहीं कि जनरलाइजेबल हो, जबकि अन्य जितनी भी रिसर्चेज हैं वो जनरलाइजेबल होनी चाहिए, दैट हैज टू बी जनरलाइज। वो हम अगर उन्हीं परिस्थितियों में कितनी भी बार करें उनमें वही रिजल्ट आना चाहिए जो एक परिस्थिति में हमने निकाला है। लिहाजा एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च में ये भी फर्क होता है कि अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च जो है वो जनरलाइजेबल होती है, जबकि एक्शन रिसर्च जो है वो जरूरी नहीं, वो जनरलाइजेबल हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। दूसरी चीज, एक्शन रिसर्च के लिए हमें अन्य संसाधनों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वी कैन डू आवर सेल्व्स विद इन आवर ओन रिसोर्सेस, वेयर एज अदर रिसर्चेस नीड द रिसोर्सेस, नीड जनरलाइजेबिलिटी, नीड्स reliability and validity of our tools which may not be applicable to action research. कि हम जिन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो जो है रिलायबल और वैलिड हो, वो वैध हो तब भी ठीक है, नहीं वैध हो तब भी हम उन वहाँ पर तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी का बहुत ज्यादा फोकस है जो फॉर्मल रिसर्च औपचारिक शोध के अंदर, फॉर्मल रिसर्च के अंदर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर मस्ट, whereas they are not needed, they may not be needed in our action research because we तीसरी एक और अंतर जो आता है वो ये आता है कि action research में हमारे पास समय सीमित है, whereas the other kind of researches don't have a fixed time framework, fixed time limit, right? क्योंकि मान लिया तीसरी कक्षा के अंदर एक बच्चे को कोई समस्या आ रही जिसका हल मैं करना चाहता हूँ और वो हल करने में हम एक साल लगाते हैं और वो बच्चा फेल हो जाता है, फिर उस हल का फायदा नहीं हो पाएगा। लिहाजा वो हल ऐसा होना चाहिए जो कि उसी कक्षा के दौरान, उसी समय के दौरान हम हल कर सके।
इसलिए एक्शन रिसर्चेज जो है वो तत्कालिक है, वो विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क है, जबकि जो दूसरी शोध है, दूसरी रिसर्चेज है, दे कैन एक्सपेंड टू एनी टाइम, दे मे बी फॉर अ ईयर, दे मे बी फॉर अ मंथ, दे मे बी फॉर टू ईयर्स, मे बी फॉर मोर देन टू ईयर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जो एक्शन रिसर्च है वो जनरलाइजेबल नहीं है, तो अगर वो जनरलाइजेबल नहीं है तो मेन फोकस में अगर उसका पर्पस देखें, जैसे आपने बताया अभी कि एक्शन रिसर्च क्यों किया जाता है, तो एक बार फिर से हमें बताएंगे कि पर्पस क्या है अगर वो जनरलाइजेबल नहीं है तो। देखिए, अगर जनरलाइजेबल नहीं, मेन पर्पस या फोकस एक्शन रिसर्च का ये है कि जो भी हम अपने दैनिक कार्य करते हुए, चाहे हम विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम किसी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, डाइट में कर रहे हैं, एससीईआरटी में कर रहे हैं, एनसीईआरटी में कर रहे हैं, आरआई में कर रहे हैं, या किसी और संस्थान में कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, किसी भी संस्थान में हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। लिहाजा हम बेहतर ढंग से अपने काम को करने के लिए हमारा जो फोकस होना चाहिए, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उसके लिए हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, कम से कम छोटी छोटी समस्याओं को हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, और उन छोटी छोटी समस्याओं को हल करने का मुख्य ध्येय जो है एक्शन रिसर्चेज का होता है, और वो भी अपने अपने ही संसाधनों से, अपने ही रिसोर्सेज से, विद आवर ओन रिसोर्सेज एंड आवर सेल्फ, वी मे नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दिस, अदरवाइज द टाइम विल लैप्स एंड द प्रॉब्लम विल रिमेन। इसलिए एक्शन रिसर्चेज का फोकस रहता है हम स्वयं अपनी समस्या का हल कर सके। तो जैसा आपने बताया कि अपनी समस्या का स्वयं हल किया जा सकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी में कार्यरत कोई फैकल्टी हो, तो अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से एरियाज हो सकते हैं जो एक्शन रिसर्च जिनमें किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा आप उन एरियाज के बारे में बताइए। थोड़ा सा ये एक स्लाइड जो एरियाज की मैंने आपको दिया है, वो जरा एक बार उसको फ्लैश करें, सेकेंड वन। अगर आप देखें तो हमारे कार्य क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, एनी एरिया ऑफ आवर वर्क, वी कैन डू एक्शन रिसर्च। ओनली थिंग इज, आप इस स्लाइड में बहुत सारे एरियाज को थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, वी विल हैव टू जूम दिस स्लाइड सो दैट पीपल में सी इट। आप इसमें देखेंगे तो हमने ये जो क्षेत्र बताए हैं, ये मुख्यतः हमने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को, शिक्षा के विभिन्न आयामों को हमने इसमें लिया है, लेकिन कोई भी, किसी भी विषय में हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है, ये केवल एरियाज हैं। बहुत बड़ी लिस्ट आप देखेंगे इसके अंदर, अगर आप देखें तो चाहे वो हमारे सोशल एरिया, सामाजिक क्षेत्र हों, चाहे हमारे पेडागॉजिकल एरियाज, हमारे जो है शिक्षा के क्षेत्र हों, चाहे हमारे पढ़ाने के तरीके विधियों की बात हो, चाहे हमारे जो है चैलेंज्ड बच्चे हों, चाहे हमारे साथी हों, चाहे हमारे अन्य कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे विभिन्न प्रशासनिक व्यक्ति हों, हर प्रकार के क्षेत्र में हम एक्शन रिसर्चेज को कर सकते हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। लेकिन बात ये ध्यान में रखने की है कि जब भी हम एक्शन रिसर्च करें तो पहले अपनी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक समय में हम अपनी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसका हल करें, और उसके बाद अलका जी अगर हम अन्य हिस्सों पर जाएंगे तो हम एक्शन रिसर्च का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। वरना क्या होगा कि हम अगर बड़ी समस्या लेकर चलते हैं तो शायद हम उसको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, शायद हम उसको पूरा ना कर पाए। इसलिए एक्शन रिसर्च में ये जरूरी है कि एक क्षेत्र की समस्याओं को भी हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करें तो हम उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, मान लिया हम बच्चे के अंदर देखते हैं कि बच्चा लिखने के अंदर किसी शब्द को गलत लिख रहा है। अब शब्द अगर वो गलत लिख रहा है तो क्या हम उसको, जितने भी शब्द गलत लिख रहा है उस पर एक्शन रिसर्च करें, या हम उस शब्द के अक्षरों को देखें जो अक्षर वो गलत लिख रहा है। और अगर एक एक अक्षर को लेकर हम एक एक एक्शन रिसर्च करेंगे तो एक तो समय हमारा कम लगेगा और उसमें हमें सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो एक टीचर एक ही वक्त में दो तीन एक्शन रिसर्च कर सकता है?
एक अध्यापक अगर उसमें क्षमता है तो इसमें दो 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 राय नहीं है कि वो दो या तीन रिसर्चेस कर सकता है, लेकिन हमारा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक समय में अध्यापक एक रिसर्च को करे, एक एक्शन रिसर्च को कंप्लीट कर कर करे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर फोकस कर सके और उसके बाद वो अन्य क्षेत्रों के अंदर एक्शन करे, तभी उसका ज्यादा फायदा उठा पाएगा। और वही जो वो तीन एक साथ करेगा उसमें उतना ही समय लगेगा अगर वो एक एक करकर तीन बार में तीन समस्याओं का हल करता है। तो अब हमने जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने देखी कि बहुत सारी एक लिस्ट आपने प्रोवाइड की जो हमारे दर्शकों ने देखी है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये हमारे पास समस्या है, कोई एक समस्या है और उसको हम अब हमें एक्शन रिसर्च करने हैं उस समस्या पे, तो स्टेप्स क्या होंगे सबसे पहले और आखिरी तक क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे एक्शन रिसर्च के लिए? देखिए, एक्शन रिसर्च के लिए स्टेप्स की बात जहाँ तक है, इसके लिए अगर हम अपने जीवन की कोई भी समस्या ले लें और उस समस्या को देख करके उसका हल हम कैसे करते हैं, उसको देखकर अगर हम विभिन्न चरणों को देखेंगे तो हमारे विभिन्न समस्याओं को दैनिक जीवन में हल करने के चरण और इस एक्शन रिसर्च के चरण लगभग मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एक्शन रिसर्च के अंदर अगर हम उसके स्टेप्स को देखें तो सबसे पहला स्टेप यह आता है कि हम उस समस्या को ध्यान से समझें, पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उसको पहले बारीकी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर उस छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम ये देखें कि उस समस्या का संभावित कारण क्या है। एक कारण है, दो कारण है, किसी समस्या के 5, 6, 10 कारण हो सकते हैं। उन संभावित कारणों में हम उसके कारणों को पहले 2-3 मुख्य कारणों को पहचाने, आइडेंटिफाई दी मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज ऑफ दैट, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेज हाउ कैन वी सॉल्व दैट और हाउ कैन वी नेगेट दोज वेरियस कॉजेज, कि उन समस्या के कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं ये हम देखें। अब ये हम कैसे जानेंगे? एक इसके जानने का एक तरीका तो यह है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर बहुत सारी चीजें जानते हैं कि अगर ये चीज आती है, ये समस्या आती है, तो इसका हल ऐसे किया जा सकता है। अगर बच्चा ये करता है तो ये गलती करता है, तो उस बच्चा उस गलती को दूर करने के लिए हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो रिसाले हैं, हमारे जो विभिन्न जर्नल्स हैं या हमारी और न्यूज़पेपर है, मास मीडिया है, टेलीविज़न है या अन्य मास मीडिया है, उनके अंदर से हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या का हल किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपके कहने का ये मतलब है जैसे हम औपचारिक रिसर्च में, औपचारिक शोध में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, तो उसी तरह से एक्शन रिसर्च में भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है? देखिए, स्ट्रिक्टली हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं करते, केवल हम उन क्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर समस्या है तो इसका समाधान मैं अपने अपनी स्थिति के अंदर किस प्रकार से कर सकता हूँ, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ताकि मैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावी तरीका है उसका उपयोग करके उस समस्या का हल करूँ। अब जैसे कोई भी हम घर के अंदर भी अगर समस्या लेते हैं और उस समस्या का हल करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे साधन हैं, इन साधनों के अंदर उस समस्या का किस किस प्रकार से हल हो सकता है और उसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे हम अपनी समस्या का हल करें, और उसको हम लागू करते हैं ऐसे ही इसमें, और उसको हम कहते हैं कृत परिकल्पना, यानी एक्शन हाइपोथेसिस। यानी जैसे हम कहते हैं पानी के अंदर अगर हम चीनी डालेंगे तो क्या होगा? मीठा होगा। पानी में अगर नमक डालेंगे तो नमकीन होगा। इसी प्रकार से अगर बच्चे को गतिविधि आधारित विधि से शिक्षण देंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चा जो है उसको जल्दी समझ पाएगा। या बच्चे को बार बार अगर एक शब्द का अभ्यास कराएंगे तो बच्चा उस शब्द को ठीक से लिख पाएगा। तो ये जो तरीके हैं ये कहाँ से हमने सीखे? ये हमने सीखे या तो हमारे अनुभवों ने ऐसा बताया या हमारे कहीं ना कहीं लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ था।
या हमने कई बार क्या होता है कि हाँ अगर हमें कहीं भी नहीं मिलता तो हम इंटरनेट को खंगालने की कोशिश करते हैं। आजकल तो बिल्कुल हर एक के मोबाइल में और हर एक के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उस इंटरनेट में हम खंगालने की कोशिश करते हैं भाई ये समस्या है तो इसका किस किस तरीके से हल हो सकता है, और उस हल में से फिर हम देखते हैं कि हमारे साधनों में हमारी स्थिति के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। अब हल तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारी स्थिति में लागू ना हो पाए, या हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन ना हो, या हम उस विद्यालय में जहां उसको लागू कर रहे हैं वहां पर उसको लागू ना कर पाए, उसका प्रभाव बजाय अच्छा पढ़ने के खराब भी पड़ सकता है। लिहाजा ये देखना बहुत जरूरी है कि जो भी हम तरीका उपयोग में ला रहे हैं इसीलिए हम उसके अंदर कृत परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, एक्शन हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होने की संभावना है। तो तीन चार तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका जो हमको लगता है पहले वो लगाने की कोशिश करते हैं। अब उससे हो सकता है एक समस्या हमारे पास 10 बच्चों में है, पहला तरीका लगाया उससे 3 बच्चों में उसका क्योंकि सुधार बहुत हो सारे गया, एक्सट्रेनियस क्योंकि हर फैक्टर्स भी होते बिल्कुल आपने हैं। कहा कि बहुत सारे तरीके के कारक, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक समस्या के लिए ही जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लिहाजा एक बच्चा जो है वो एक तरीके से उसमें सुधार ला सकता है, और 4 बच्चे किसी और तरीके से ला सकते हैं, अगले 3 बच्चे किसी और तीसरे तरीके से ला सकते हैं। तो बिल्कुल पहले हम पहला तरीका उपयोग करेंगे, फिर सुधार लाने के बाद दूसरा तरीका उपयोग करेंगे, फिर तीसरा तरीका भी उपयोग करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी समस्या का सुधार ला सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपके पास हर समस्या का 100% सुधार हो सके, 100% हल ना तो संभव है और ना ही ऐसा होता है। अगर हमारी समस्या में 10% हल भी होता है तो हमें मानना चाहिए कि हमने एक एक्शन रिसर्च किया है, और 90% के लिए हम कोई दूसरा क्रियात्मक शोध, दूसरा एक्शन रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हुआ है तो उसको हम एक्शन रिसर्च नहीं करेंगे। तो एक्शन रिसर्च का एक पहलू यह भी है कि उसमें कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होना चाहिए। अगर कुछ भी सुधार नहीं हो पाता तो हम उसको एक्शन रिसर्च नहीं कहेंगे। कम से कम कुछ ना कुछ, चाहे अगर हम 5 बच्चों में सुधार लेकर चले हैं, 5 बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और 1 बच्चे में भी सुधार होता है, तो हम ये कहेंगे कि वाकई में हमने 1 बच्चे के लिए तो कम से कम किया, 20% तो हमारे काम में सफलता हमें मिली, बाकी 80% के लिए शायद जो विधि हमने उपयोग में लाई वो विधि उपयुक्त नहीं थी, उन बच्चों के लिए हम दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। लिहाजा इसके अंदर जो है अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है कि हम एक्शन रिसर्च में ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से सुधार आ जाएगा, बल्कि उस लेकिन उससे सुधार आने की बजाय कुछ विकार आ जाए जी, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में हमें ये इंतजार नहीं करना कि भाई हम ये इंतजार करते हैं कि सुधार आएगा, पहले विकार आया अब सुधार आएगा, और वो स्थिति जो है उससे ज्यादा खराब हो जाए, बजाय रिसर्च में सुधार होने के बजाय एक फायदा होने के, लाभ होने के उसके अंदर हानि हो जाए। लिहाजा क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो आम तौर पर बच्चों के साथ कर रहे हैं, मानव के साथ कर रहे हैं, लड़के लड़कियों के साथ कर रहे हैं, लिहाजा उसमें हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी बच्चे की भावना को ठेस पहुंचे, जिससे हमारे किसी साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जिससे किसी भी हमारे कार्यरत व्यक्ति को उसका कोई हानिकारक प्रभाव हो। इसलिए एक्शन रिसर्च में ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो है जो एक्शन रिसर्च हो। आपको हम थोड़ा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो हम अपनी टेक्निकल टीम को कहेंगे कि प्लीज हमें कनेक्ट कीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ मैं वसुंधरा बोल रही हूँ नोएडा से। जी जी बोलिए मैडम, मुझे एक सवाल पूछना था जी कि ये एक्शन रिसर्च में और ये जो फॉर्मल रिसर्च होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी अगर आपने शुरू से हमारा ये हम दोबारा रिपीट तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। वैसे हमने बीच में इस बात का जिक्र किया था कि एक औपचारिक शोध के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ये प्रश्न सबके मन में उठता है, और ये प्रश्न स्वाभाविक है, कोई भी काम करने वाला है उसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हमने इसको एक्शन रिसर्च नाम क्यों अलग से दिया है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, ये अन्य प्रकार की
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च से किस प्रकार डिफरेंट है, तो आप देखेंगे कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से एक्शन रिसर्च ऑल टुगेदर डिफरेंट है। नंबर फर्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण का डिफरेंस है वो आता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो जनरलाइजेबल होती है, यानी उनका सामान्यकरण किया जा सकता है, जबकि एक्शन रिसर्च का सामान्यकरण जरूरी नहीं हो भी सकता है ना भी हो, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो तत्कालिक है, वो तत्कालिक समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए की गई है, लिहाजा वो उस स्थिति में भी दोबारा लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे मैं ही अपने कार्य क्षेत्र में अपना क्रियात्मक शोध कर रहा हूं और वही स्थिति दोबारा अगर मेरे ही कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं उसी तरीके से उस समस्या का हल कर सकूं। और भी दूसरे फैक्टर्स कारक हो सकते हैं, और भी कारक हो सकते हैं। पहला तो ये अंतर होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि एक्शन रिसर्च जो है वो तत्कालिक है और इसलिए उसका समय सीमा जो है बहुत सीमित है, और जितने भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्चेस हैं उनकी समय सीमा सीमित नहीं है। एक्शन रिसर्चेस क्योंकि हमें एकदम अपनी समस्या का तुरंत हल चाहिए। मान लिया अगर हम अपने किसी हमें मैं एक घरेलू उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि अगर हमें कहीं किसी शादी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, एक तत्कालिक समस्या है और उसके लिए कपड़े खरीदने हैं, और मैं ये इंतजार करता रहूं कि भाई कहाँ से खरीदूंगा, कितने पैसे लगेंगे, और इतने में वो शादी निकल जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन ये बात हमारी क्वालिटेटिव और किसी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और वो टीचर वो समस्या को सुलझाने के लिए एक्शन रिसर्च करना चाहे और वो एक साल एकेडमिक ईयर निकल जाए, वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने अलका जी बिल्कुल ठीक कहा कि एक बच्चा आपने सितंबर के अंदर उस बच्चे के अंदर देखा कि वो बच्चा गणित के अंदर भिन्न के सवाल ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा जी, और आपने उसके लिए कारण ढूंढने में और उसका निवारण ढूंढने के अंदर एक साल का समय लगा दिया, अगला सितंबर आ गया और अप्रैल में उसके इम्तिहान हो गए, वो बच्चा फेल हो गया, तो अब आप बताइए उस एक्शन रिसर्च का कहाँ फायदा होगा। बिल्कुल, हमें उस भिन्न के सवाल ठीक प्रकार से कराने के लिए निवारण करने के लिए हमें एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि तत्कालिक उसकी समस्या का हल कर सके, और जब वो अपना अप्रैल के अंदर मई मार्च के अंदर या मई के अंदर अपने अपने पेपर के अंदर बैठे तो वो उनके हल ठीक प्रकार से कर पाए और उसकी अवधारणा वो अपने अंदर स्पष्ट कर पाए, तो एक टाइम फ्रेम बनाकर ही उसको करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी चीज ये होती है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बहुत मायने हमारी एक्शन रिसर्च में नहीं करती है। विश्वसनीयता और वैधता ये दोनों चीजें हमारे एक्शन रिसर्च में बहुत मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि हमारा ध्येय होता है, हमारा पर्पस होता है कि हम तुरंत अपनी समस्याओं का हल कर सके, जबकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के अंदर ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमारे जितने भी उपकरण हम या जितना भी डाटा हम गैदर करते हैं उसमें विश्वसनीयता और वैधता, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा उपकरण रिलायबल और वैलिड नहीं होगा तो उससे हम ठीक आंकड़े नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, ठीक प्रदत्त नहीं संकलन कर पाएंगे और उससे हमारे रिजल्ट जो है वो प्रभावित होंगे। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि एक्शन रिसर्चेस के अंदर इस सब का ध्यान। इसके अलावा एक्शन रिसर्चेस में जब हम रिजल्ट निकालते हैं उसके अंदर हमारा डिस्कशंस और रिजल्ट के अंदर निकालने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारी हम क्वांटिटेटिव तरीकों का ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं करते हैं। उसमें ज्यादातर हम एक्शन रिसर्चेस के अंदर केवल ग्राफ या दंड चार्ट, बार चार्ट या पाई चार्ट, यानी हम केवल उसका ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से काम चला लेते हैं, जबकि हमारे जितने भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होते हैं उनके अंदर हमें जो है कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तरीके से अपने डेटा का इंटरप्रिटेशन और उसके बाद उससे इन्फ्रेंस ड्राइंग करते हैं। कहीं हम
मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग करते हैं क्वांटिटेटिव तरीकों में, कहीं काई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अपने निर्णय तक ठीक प्रकार से पहुंच पाए। तो जैसे सिंपल स्टैटिस्टिक्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, एडवांस लेवल पर उतना नहीं जाते हैं क्योंकि शायद टीचर उतने इतना मतलब वो ट्रेंड नहीं होते हैं पारंगत नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो इतना। आज का ये चर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और आज की चर्चा के लिए सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई आपको क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज़ हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर या ईमेल करके हमें पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए किशोर मंच, धन्यवाद। नमस्कार।